माँ तू हमेशा यही कहती है ना कि माँ का कर्जा कभी नहीं उतर सकता। अब मैं तंग आ गया हूँ ये सब सुनकर। आज मैं तेरे अगले पिछले सब कर्ज चुका दूंगा। बता कितना कर्जा है तेरा, तुझे क्या चाहिए? रुपया, सोना, चांदी, जेवर? बता माँ, ऐसा क्या दू जिससे तेरा कर्जा उतर जाए? माँ ने बेटे को बड़े आराम से कहा, बेटा ये रुपए, पैसे, सोने, चांदी से तो मेरा कर्जा नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ माँ के पास। जैसा तय हुआ था उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेड पर फेंक दिया जहाँ बेटा सोया था। बेटे ने कहा, अरे माँ ये क्या किया, तुमने तो मेरी जगह सारी गीली कर दी, अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा गलती हो गई, कोई बात नहीं सो जा, अभी सूख जाएगा, बस एक रात ही तो सोना है तुझे। बेटा जैसे तैसे उस गीले बेड पर सो गया। अभी आंख थोड़ा भारी हुई ही थी कि माँ ने फिर बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने माँ को कहा, माँ अभी तो पानी पिया था, इतनी जल्दी प्यास लग गई। माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए प्यास लग रही है, एक गिलास और पानी पिला दे। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी फिर बेटे की जगह पर गेर दिया। अब बेटे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है क्या, तूने मेरी जगह पर पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर क्यों गीला कर दिया। इस बार बेटे ने दर्जनों बातें सुना दी अपनी माँ को, लेकिन माँ कुछ ना बोली। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बूढ़ी हो गई हूं ना बेटा, गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा फिर गीले बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन एक घंटे बाद फिर से बेटे की आंखें नींद से भारी होने लगी और तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा पानी। माँ ने अभी इतना कहा ही था कि बेटा झल्ला उठा और बोला, भाड़ में जाए तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूं अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे की गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्जा उतारने चला था, तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ दो बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया तो तू भाग रहा है यहाँ से। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला करता था और मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लिटाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी भी तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ दो बार पानी मांगा तो तुझे इतना गुस्सा आ गया, पर जब तू छोटा था तो रात में कभी पानी तो कभी दूध मांगता था और मैं हर बार मुस्कुराकर अपने हाथों से तुझे पिलाती थी। जब तू रात को बीमार होता था तो पूरी रात तुझे अपने सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी ताकि तू सो जाए, और आज तू निकला है माँ का कर्ज चुकाने। बेटा एक जन्म तो क्या, माँ का कर्ज तू सात जन्मों में भी नहीं उतार सकता। बिल्कुल सही है, वाकई में माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, और माँ बाप के महत्व का तो तभी आभास होता है जब कोई खुद माँ बाप बनता है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।